हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर तराशी शर्मा, और आज हम होम्यो हर्बल के प्लेटफॉर्म पे हैं फॉर अनदर सेशन। आई विल वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर पीपल टू जॉइन इन एंड देन कंटिन्यू विद द सेशन। डॉक्टर शिखर, अगर आप लाइव हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि एम आई ऑडिबल? देर इज़ वन व्यूअर, सो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द सेशन। ओके, गुड। सो वील वेट फॉर अ मिनट और टू एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कैन जॉइन इन एंड वील कंटिन्यू विद इट, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट देन। दिस इज़ तराशी शर्मा फ्रॉम डेली, करेंटली परस्यूइंग MD इन पीडियाट्रिक्स फ्रॉम नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा। एंड आज हम पीडियाट्रिक्स के एक टॉपिक के लिए बात करेंगे, होम्योपैथी हाउ कैन इट बी अ बून फॉर योर किड्स। सो जनरल पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्यों अपने बच्चों के लिए, आम इंसान को होम्योपैथी चूज़ करनी चाहिए। ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या स्पेशल है इस एज ग्रुप में कि बच्चों को हम लोग, ठीक है, क्यूट बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ये एज ग्रुप सबको बहुत पसंद होता है, बट ऐसा क्या खास है एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एज ग्रुप में कि सब लोग इधर फोकस करना चाहते हैं, सब लोग बच्चों के लिए होम्योपैथी को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा क्या खास है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वील कवर द सेशन इन फ्यू पॉइंट्स, 3 to 4 पॉइंट्स। एंड फर्स्टली वील डिस्कस कि बच्चे क्यों इतने स्पेशल होते हैं एंड वाई होम्योपैथी शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन फॉर देयर मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, एंड क्यों फर्स्ट ऑप्शन पेरेंट्स का होम्योपैथी होना चाहिए। सो फर्स्टली एक होम्योपैथ की नज़रों से अगर मैं देखूँ तो किसी भी डिजीज़ की अगर ओरिजिन जो है वो किड्स में हुआ है, बच्चों में हुआ है, एक बहुत छोटे एज ग्रुप में हुआ है, तो वी कैन गेट द क्लीनेस्ट पिक्चर, द क्लियरेस्ट पिक्चर ऑफ द डिजीज़ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दैट चाइल्ड। वहीं अगर वो डिजीज़ बढ़ते 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 एक मिडिल एज ग्रुप में आ गई है, वो ट्रीट नहीं की गई है या मैल ट्रीट कर दी गई है, तो उसको ट्रीट करना या उस डिजीज़ को समझ पाना, क्लियर पिक्चर ऑब्टेन कर पाना, सिम्टम्स ऑब्टेन कर पाना, पूरी डिटेल केस हिस्ट्री ले पाना मुश्किल होता जाता है एज द एज ग्रोज। बच्चे जो होते हैं बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर इसलिए भी दे पाते हैं बिकॉज़ वो बहुत इनोसेंट होते हैं, दे डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट देयर आंसर्स, दे डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट देयर सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। सो वेन एवर आस्ड अबाउट ऑल द सिम्टम्स, तो वो बहुत अच्छे से बता पाते हैं, एक क्लियर आंसर दे पाते हैं इफ़ द चाइल्ड इज़ टॉकेटिव एंड ही इज़ इन अ एज ग्रुप ऑफ बीइंग टॉकेटिव, तो वो एक बहुत क्लियर पिक्चर हमें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक डिजीज़ेस, होम्योपैथी में आपने सबने सुना होगा कि डिटेल केस टेकिंग होती है, आधा आधा घंटा बात करते हैं। मिडिल एज ग्रुप में तो कई बार ऐसा होता है कि 45 मिनट्स, 1 घंटा 2 घंटा बात करने के बाद भी हम क्लियर पिक्चर नहीं ऑब्टेन कर पाते। वहीं बच्चों में किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ को लेके हम देखें तो बहुत ही क्लीन क्लियर चिट सिम्टम्स हमको मिल जाते हैं और बहुत जल्दी ऑब्टेन हो जाते हैं। वो लोग छुपाते नहीं हैं अपना बिहेवियर जो है, वो जैसे भी हैं वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव होते हैं। अगर वो शाय हैं तो वो शायनेस उनके हमेशा एक पिक्चर में दिखेगी, आपको सामने दिखेगी, यू कैन ऑब्जर्व देयर सिम्टम्स वेरी क्लियरली। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लस पॉइंट्स होती हैं हम लोगों के लिए, एंड बच्चों को ट्रीट करना इसीलिए थोड़ा ईजी हो जाता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी सब डॉक्टर्स का डिफर कर सकता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंडली
किसी भी डिजीज को हम देखें, जितनी जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे उतना इजी हो जाएगा हमको क्योर करना। ये तो आपने सभी ने सुना होगा, आपने डॉक्टर्स को कहते सुना होगा कि अरे इतने साल हो गए आपकी बीमारी को, 4 साल हो गए, अगर आप शुरुआत में आए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो ज़्यादा इजीली क्योर हो पाता, ज़्यादा जल्दी क्योर हो पाता। तो उसका भी कारण यही है कि बचपन में अगर डिजीज़ ओरिजिनेट हुई है और आप उसको एलोपैथी या किसी भी और सिस्टम के थ्रू ट्रीट करे जा रहे हैं, या मैल ट्रीट कर रहे हैं, होम रेमेडीज़ ले रहे हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म करती जाती है धीरे 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 धीरे, मल्टीपल डिजीज़ के साथ मिक्सअप होके, और क्रॉनिक डिजीज़ के साथ मिक्सअप होके एक बहुत ही अनक्लियर वेब फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से उसको ट्रीट करना और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है विद द टाइम बीइंग। तो जितना पहले डिजीज़ को पकड़ेंगे, जितना पहले सिम्टम्स को ऑब्टेन करेंगे, जितना पहले हमारे सामने एक पिक्चर सामने रहेगी, उतना इजी हो जाएगा उसको क्योर करना। सो ये भी बहुत अच्छी बात है एक चिल्ड्रन एज ग्रुप की, कि हम लोग वहाँ पे ही अगर हम काम करना स्टार्ट करें, अपनी मेडिसिंस को एडमिनिस्टर करें, तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी क्योर ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। थर्डली, जो एक बहुत स्पेशल बात होती है बच्चों में, ये एज ग्रुप ऐसा होता है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसके लिए इम्यून हो रहा होता है, फॉरेन डिजीज़ के कांटेक्ट में आ रहा होता है और उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करता जाता है, तो कंटिन्यूसली एक रिग्रेस एक्टिविटी चलती रहती है इम्यून सिस्टम में। तो इम्यूनिटी डेवलप करता है बच्चा, एलर्जीज भी डेवलप करता है बच्चा, हर रोज़ नई नई एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है, कभी वो नए पोलन के कांटेक्ट में आ रहा है, स्कूल में वो चॉक और डस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे जैसे वो फूड इनटेक बढ़ाता है अपना, तो अलग अलग क्विजींस के कांटेक्ट में आता है, जंक फूड के कांटेक्ट में आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है उसको डिजीज से बचाने के लिए, और उस टाइम उस एज ग्रुप में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फीवर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है बच्चों को, WBCs बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बच्चों को, बच्चों के डिफेंस मैकेनिज्म में। उस एज ग्रुप को अगर हम पकड़ेंगे तो जितनी भी हम एलर्जीज देखते हैं, कितनी कॉमनली हम लोग सुन लेते हैं कि ना साइनसाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, स्किन एलर्जीज हो गई हैं, आई एलर्जीज हो गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, नहीं इस हमको तो इस चीज़ से एलर्जी है, हमें पीनट से एलर्जी है, हमें इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी है, वो ये चीज़ कब डेवलप हो रही है, वो बचपन में डेवलप होती है एक्चुअली में। तो अगर हम उसे वहीं पकड़ लेंगे, उसे वहीं ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, आपका जो एडल्टहुड है, जो मिडिल एज है, जो ओल्ड एज है, वो कितनी स्मूथली कटेगी, कितना मतलब इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए उस एज ग्रुप में एंटर होना, ट्रांजिशन करना, जब आप बचपन में जब इम्यूनिटी डेवलप हो रही है बच्चे की तभी आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो सो दिस कैन बी अ वेरी प्लस पॉइंट इन दिस चिल्ड्रन एज ग्रुप, सो वाई वी ट्राई टू यू नो ट्रीट किड्स एट दैट लेवल। देन देर आर सम डिजीजेज विच आर ओनली कॉमन इन चिल्ड्रन, मम्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, मोर कॉमन, नॉट ओनली कॉमन, मोर कॉमन, वैसे तो एडल्ट्स में भी ये डिजीज़ पाई जाती हैं बट मोस्टली ये चीज़ें बचपन में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कुछ डिजीज़ हैं जो बचपन में ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो क्यों ना हम उस एज ग्रुप को अपना स्पेशलाइजेशन बनाएं, उस एज ग्रुप को उन डिजीज़ से बचाएं या उनसे उनको मैल ट्रीट होने से रोकें। डिफ्थीरिया है, एन नंबर ऑफ केसेस डिफ्थीरिया हुआ, मैल ट्रीट हुआ एंड एडल्टहुड में ओल्ड एज में भी परेशान कर रहा है, रिकरेंट कफ डेवलप हो रहा है, परेशान है इंसान जो है वो कफ से परेशान है, तो डिफ्थीरिया ही तो था, उसको अगर ढंग से ट्रीट कर दिया जाता बचपन में तो वो लाइफ लॉन्ग कैरी नहीं होता। ऐसे ही बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को टाइफॉइड हो जाता है, मैल ट्रीट कर दिया जाता है उसको, या घर पे पता ही नहीं होता, उसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता है एंड वो लाइफ लॉन्ग गैस्ट्रिक इश्यूज के फॉर्म में ऑन एंड ऑफ प्रेजेंट करता है। सो ये डिजीज़ेस हैं जो बचपन में कॉमन हैं, कंजक्टिवाइटिस है, ईयर इन्फेक्शंस हैं, रिकरेंट कॉफ एंड कोल्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस्ट्राइटिस है, और आजकल तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन है जो कि बचपन में ही डेवलप होता है।
एंड जैसे ही बच्चा स्विच करता है मदर्स मिल्क से नॉर्मल मिल्क पे, काउस मिल्क पे या बफेलो मिल्क पे, तो उसको डेवलप हो जाता है. तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, देर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेज एंड स्ट्रेटाज वेयर वी कैन वर्क एंड यू नो प्रिवेंट आर चिल्ड्रन फॉर बींग इल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज के लाइव सेशन के थ्रू डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर शिखर कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया एंड मैं ये पॉइंट अपना आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ. बिकॉज मुझे नहीं पता इस बारे में सब लोग बात करते हैं नहीं करते हैं, बट एज अ डॉक्टर मैंने बहुत देखा है अपने क्लिनिक पे, एंड एज अ चाइल्ड मैंने बहुत फेस करी ये चीज़ें. चाइल्डहुड डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस इन चाइल्डहुड क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट है जिससे बच्चा परेशान है, क्या वो अपने पेरेंट्स से वो सारी बातें डिस्कस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो उसकी वजह से उसके फिज़िकल लेवल पे क्या क्या कंप्लेंट्स डेवलप हो रही हैं, क्या कोई भी जागरूक नागरिक ये बात जानने की कोशिश करता है या नहीं करता है. सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. आजकल जो एनवायरनमेंट है स्कूल में, दैट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव. बहुत ही अर्ली एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटिशन में इंडल्ज हो जाते हैं, रैट रेस में इंडल्ज हो जाते हैं कि मुझे फ़र्स्ट आना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा होना ही पड़ेगा. पेरेंट्स आर प्रेशराइजिंग देयर चिल्ड्रेन टू जॉइन एन नंबर ऑफ एकेडमीज़ कि तुम डांस भी करो, तुम स्पोर्ट्स भी करो, यू शुड बी द बेस्ट, यू शुड बी द बेस्ट इन योर क्लास, यू शुड बी बेटर देन योर फ्रेंड्स. दैट इज़ द कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट अ चाइल्ड इज़ फेसिंग डे टू डे लाइफ. सो क्या उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं? वी सी चिल्ड्रन कमिंग विद वॉट्स, विटिलिगो एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, स्टंटेड ग्रोथ, इतनी सारी चीज़ें, शाइनेस, ओवर शाइनेस एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स, क्या क्या नाम लूँ मैं, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कारण क्या होता है, ओवर प्रेशराइजेशन, कि बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया जा रहा है कि वो मेंटली वीक होते जा रहे हैं एंड उसका असर उनकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ रहा है. आई माई सेल्फ वॉज अ पेशेंट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ अ फियर फ्रॉम अ टीचर एंड शी यूज टू कम, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी यूज टू हिट चिल्ड्रेन एंड उसके फियर से, उनके फियर से मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हुआ. सो सोचो कि तब के टाइम में तो फिर भी इतना नहीं था प्रेशर, हम लोग जब बहुत छोटे हुआ करते थे, बट आज के टाइम में कितना प्रेशर है आप खुद ही सोच सकते हैं. रोज़ डे टू डे बच्चों के स्कूल बैग्स उनके वेट से ज़्यादा हैवी होते हैं तो, और कांस्टेंट प्रेशर लगा रहता है बेस्ट बनने का. सो वो कितना गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे आप सोच सकते हैं. उसको कौन ट्रीट करेगा? उसको एलोपैथ्स नहीं ट्रीट कर सकते. दे डोंट कंसिडर दिस फेयर, दे डोंट कंसिडर के क्या बच्चा फेस कर रहा है, दे डोंट टेक दिस हिस्ट्री ऑल्सो. वो पूछते भी नहीं है कि व्हाट इज़ द डेली रूटीन, क्या फेस कर रहे हो आप, कैसा फील कर रहे हो आप. ये सिर्फ एक होम्योपैथ ही जानने की कोशिश करता है, ये एक सिर्फ होम्योपैथ ही समझने की कोशिश करता है, बल्कि उसका ही एक प्राइम एफर्ट रहता है कि मैं ये चीज़ जान लूँ कि क्या चीज़ पेशेंट को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्या चीज़ उसको हिंडर कर रही है, क्या उसकी ग्रोथ में बाधा बन रही है. तो ये तो ब्यूटी है होम्योपैथी की कि हम लोग उधर एक्ट करते हैं, हम उधर जाके हिट करते हैं जहाँ बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस फेयर को खोलने की. सो ये मैं बहुत दिल से डिस्कस करना चाहती थी एंड शायद यही एक रीज़न है कि मैंने पीडियाट्रिक्स में एमडी करने का सोचा, सो दैट यू नो आई कैन सेव लाइक दीज लिटिल किड्स एंड गिव स्माइल्स ऑन देयर फेस. कि अगर हम उनका अभी का जो चाइल्डहुड है उसको बेटर बनाएंगे तो एडल्टहुड और ओल्ड एज तो अपने आप अच्छी हो जाएगी. सो माई मोटो वॉज दिस एंड ये मेरा एक छोटा सा ब्रीफ था अबाउट हाउ कैन होम्योपैथी बी द बून फॉर योर किड्स. सो आप बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस आई कैन टेक देम एंड किसी भी पॉइंट के बारे में अगर कुछ भी आपको डिस्कस करना है जो मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए, सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस आल्सो, डिस्कशंस आल्सो, प्लीज़. या कोई पॉइंट आपको लगे कि इसके बारे में आप कुछ और डिटेल में सुनना चाहते हैं, सो आई कैन डू दैट ऑल्सो.
देर आर ओनली 5 व्यूअर्स, बट आई एम हैप्पी कि आप लोग अभी तक हैं एंड यू आर लिसनिंग वेरी प्रोफाउंडली. डॉक्टर शिखर, यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन और यू वॉन्ट मी टू डिस्कस एनीथिंग एल्स अबाउट इट और एलैबोरेट ऑन एनी पॉइंट, यू कैन प्लीज टेल मी. यस प्लीज. चलो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम एक छोटा सा केस डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो. आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होएगा केस डिस्कशन सुनने में. ओके, सो दिस इज़ अ केस ऑफ अ 12-year-old गर्ल. And she presented with psoriasis, guttate psoriasis, and which is also developing on her nails, foot nails, हर जगह develop हो रहा है धीरे 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 धीरे. 3 months के time period में बहुत ज़्यादा फैल गया है पूरी body पे psoriasis. Okay, autism speech interrupt children, sure. Firstly, autism जो होता है it is a spectrum disorder. वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक कितना भी एडवांस हो सकता है. कुछ केसेस होते हैं ऑटिज़म के जो जिनमें मतलब बहुत ही कम डिसेबिलिटीज़ होती हैं एंड वो बहुत हद तक सिर्फ काउंसलिंग से, स्पीच थेरेपी से और थोड़ा सा मतलब माइल्ड मेडिकेशन से वो बहुत इजीली नॉर्मल हो जाते हैं. देन देर आर सम चिल्ड्रन जो थोड़े एडवांस केसेस होते हैं, उसमें हमको मेडिकेशन का थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट लेना पड़ता है, कभी कभी फिजियोथेरेपी का भी सपोर्ट लेना पड़ता है. और स्पीच थेरेपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन ही सब कुछ कर देगी या होम्योपैथी इज़ अ मैजिकल ट्रिक वो ही सब कुछ कर देगी. यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ यू नो काउंसलर, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट. वो लोग स्पेशलाइज होते हैं इन लोगों को ट्रेन करने में, बच्चों को हेल्प करने में, बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाने में. सो उनकी हेल्प तो आपको एनी हाउ लेनी पड़ेगी. बट येस, होम्योपैथी कैन डेफिनेटली हेल्प. एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग, देन यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर अ होम्योपैथ. मेरे अकॉर्डिंग जितनी हेल्प होम्योपैथ कर सकता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, उतनी हेल्प कोई भी एलोपैथ या कोई भी और पीडियाट्रिशियन नहीं कर पाएगा. ये मेरा ओपिनियन है और मेरी स्किल भी यही कहती है. सो प्लीज़ आप एक होम्योपैथ को दिखाइएगा. एनी अदर क्वेश्चंस और शुड आई कंटिन्यू विद द केस? ओके, जब तक क्वेश्चंस नहीं आते वी शुड कंटिन्यू विद द केस ओनली. सो पूरी बॉडी पे सोरियासिस है, 12-year-old चाइल्ड है, गर्ल है. एंड डिटेल केस चेकिंग के बाद ये पता चलता है कि मदर को भी सोरियासिस था एंड 3 months पहले ही मदर की डेथ हुई है वाइल डिलीवरिंग हर ब्रदर, द पेशेंट्स ब्रदर. सो मदर की डेथ हो गई है एंड द फैमिली इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव. सो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, एक ब्रीफ मैं देती हूँ, कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ न्यूबॉर्न चाइल्ड की पेशेंट पे आ गई है, 12-year-old गर्ल पे आ गई है. उसको बेबी को भी संभालना है, उसको अपनी फैमिली को भी संभालना है. सो द वर्ड्स, की वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ आप वो सुनिएगा, कि मुझे रोने का भी टाइम नहीं मिला. आई कुडंट इवन क्राई ऑन माई मदर्स डेथ, आई कुडंट इवन ग्रीव ऑन माई मदर्स डेथ. सो ये कॉज है. यहीं अगर हम किसी और सिस्टम में जाते हैं या एक जनरल प्रैक्टिस में जाते हैं तो सोरियासिस के सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को देखे जाता है एंड ये नहीं देखा जाता कि उसका कॉज क्या रहा होगा. फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री तो पहले से थी, वो तभी क्यों डेवलप हुई उस बच्चे को सोरियासिस जब उसकी मदर की डेथ हुई, जब वो ग्रीव जो है वो
मतलब एक्सप्रेस नहीं हो पाया, वो सप्रेस हो गया, इमोशन सप्रेस हो गए, जो ओवरलोडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। क्या कोई भी डॉक्टर इसी इन इन बातों पर गौर करता है? सो होम्योपैथी इज़ अ साइंस, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस जहाँ इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड उसके बाद जो टोटैलिटी बन के आती है उस पर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। हाउ द एक्सरसाइज एक्सेस लोड ऑफ स्टडी अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ किड्स? ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग यू आस्क्ड डॉक्टर शिखर। क्या होता है ना, ये जो एज ग्रुप होता है ये बहुत ही सेंसिटिव एज ग्रुप होता है, येट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड एज ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनका माइंड अभी डेवलप हो रहा होता है, सो पैटर्न्स बहुत कम होते हैं, लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो वैसे देखा जाए तो एक्सेस जो लोड है वो इनको बॉदर नहीं करना चाहिए, बट क्या वो लोड सिंगल एक स्टडी का लोड है या वो उसमें क्रिएटिविटी भी इंडल्ज्ड है, इन सब चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाती है बच्चे की ग्रोथ। जैसे मेरे घर के सामने एक स्कूल है, उसमें प्लेग्राउंड भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे 24/7 मतलब 24/7 तो नहीं बट 8 आवर्स की स्कूल रूटीन में सिर्फ पढ़ाई होती है, बच्चे क्लासरूम में बैठे रहते हैं, वहाँ कोई गेम्स पीरियड नहीं होता है, वहाँ प्लेग्राउंड नहीं है, वहाँ छोटा सा कोई कोर्ट भी नहीं है, वहाँ टेबल इंडोर गेम्स के लिए भी ना स्कोप नहीं है, ना कैरम है, ना टेबल टेनिस है। वहीं अगर हम किसी दूसरे स्कूल के बच्चों को देखें जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, डांस फैसिलिटी है, म्यूज़िक फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, आर्ट एंड क्राफ्ट फैसिलिटी है, उनको देखें तो आप समझ सकते हैं कि किधर के बच्चों में वर्कलोड ज़्यादा होगा, मेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा या ग्रोथ का स्कोप किधर किस बच्चे में ज़्यादा होगा। सो ये आप सोच सकते हैं, तो वो प्रेशर जो है जो बिल्डअप होता है सिर्फ एक चीज़ को लेके, वो कई बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। उनको कॉन्स्टेंटली ये लगने लग जाता है कि ये ही मेरी ज़िंदगी है, वन ट्रैक माइंड हो जाता है, क्रिएटिवनेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, जबकि ब्यूटी जो होती है चाइल्डहुड की वो तो यही होती है कि बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं और कुछ भी मतलब ईगर होते हैं चीज़ों को समझने के लिए, यही तो ब्यूटी होती है। लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म होती जाएँ, अगर एक्सेस लोड स्टडी का देते जाएं हम लोग तो वो चीज़ सिमट जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। होम्योपैथी इज़ अ होलिस्टिक पैथी नॉट फॉर पर्टिकुलर, वाई यू कॉल लाइक पीडियाट्रिक और गायनेकोलॉजिस्ट और एक्सेट्रा? एक सेकेंड। होम्योपैथ इज़ अ जनरल एंड जनरल फिजिशियन कैन ट्रीट एवरी डिजीज ईदर फीमेल? येस डेफिनेटली आई एग्री, नो डाउट, बट मेरा इंटरेस्ट था कि बच्चों की जो मतलब बच्चों का जो ये एज ग्रुप है उसको मैं और अच्छे से समझूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने MD अगर पीडियाट्रिक्स में कर ली आज से 3 साल बाद तो मैं सिर्फ पीडियाट्रिक केसेस देखूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ मेरा इंटरेस्ट उस एज ग्रुप को समझने में ज़्यादा था और इसीलिए बस। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप MD पीडियाट्रिक से कर रहे हैं तो आप पीडियाट्रिक केसेस ही देख सकते हैं या अपने नाम के आगे आप पीडियाट्रिशियन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो किसी भी सब्जेक्ट से MD करें, MD होम्योपैथी ही लगाना होता है हमको और हर तरह के केसेस देखने होते हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, सबको इक्वली ट्रीट करना होता है, चाहे कोई भी सेक्स है उसको इक्वली ट्रीट करना होता है, कोई भी डिजीज़ है उसको इक्वली ट्रीट करना होता है। सो आई अग्री विद यू सर। Any more questions? Dr. Shikhar, what do you say? Should we end it or you want to say something and make me continue the session? In patients like very obstinate plus easily get angry, what approach is there? Okay, obstinate बहुत ज़िद्दी पेशेंट है और बहुत गुस्सेल बच्चा है। ओके, अच्छा बच्चा नहीं बोला है, इन जनरल पेशेंट बोला है, ठीक है। चाहे ये हो चाहे बिल्कुल माइल्ड शाय और केयरिंग बच्चा हो, पेशेंट हो, किसी भी तरह का
कैसा ही भी बिहेवियर प्रेजेंट होता है एक होम्योपैथ को, तो अप्रोच जो है वो एक ही होती है, होलिस्टिक अप्रोच होती है। आपके बिहेवियर को, आपके मेंटल सिम्टम्स को, आपके जो की सिम्टम्स हैं डिजीज़ के, उन सब को इम्पोर्टेंस दे के एक टोटैलिटी फॉर्म की जाती है और उसके बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अप्रोच सेम ही रहती है, होलिस्टिक अप्रोच रहती है मैम। एंड आई वुड से इफ यू आर अ पेरेंट और इफ यू आर अ पेशेंट, इफ यू आर अ जनरल पर्सन, लाइक इफ यू आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, देन यू शुड ट्राई कनेक्टिंग विद होम्योपैथी। एंड आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए कि किस तरह की अप्रोच रहती है। आप खुद ही बहुत अच्छा फील करेंगी आफ्टर नोइंग अबाउट इट, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अबाउट इट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी द सेशन वॉज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं आए हैं। सो आई वुड लाइक टू एंड इट नाउ, एंड अ बिग थैंक्स टू हर्बल होम्यो, अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर शिखा शर्मा हु इज़ डूइंग इमेंसली ग्रेट वर्क फॉर होम्योपैथी, फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी। ओके, इल नेचर्ड एंड क्रॉस डिस्पोंडेंट, इस बिहेवियर के बारे में आप में डिस्कस करना चाहते हैं सर, या होम्योपैथी के अप्रोच के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं इस तरह के केसेस में, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी इल नेचर्ड कुछ भी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू मी एवरी पेशेंट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, एंड वो अगर इल नेचर्ड है, क्रॉस डिस्पोंडेंट है, या मतलब एंग्री है, इरिटेबल है, और लड़ाकू है, झगड़ालू है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होता है। देर हैड टू बी सर्टन एक्सपीरियंस जिसकी वजह से वो पेशेंट इस तरह का बन गया है। देर हैज़ टू बी अ साइकोलॉजी, एंड एज अ होम्योपैथ हमारा ये काम होता है कि हम उसको समझें, उसके पास्ट को समझें, वो क्यों ऐसा बना, उसकी जर्नी को समझें, एंड उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसकी लाइफ में, उसके फिज़िकल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, मेंटल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, हर चीज़ को कंसिडर करें और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, एंड विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड एंड विदाउट बीइंग जजमेंटल। ये होम्योपैथी की अप्रोच है, बट नॉट हैज़ एनी पास्ट हिस्ट्री, देन दिस कैन बी अ हैबिट ऑल्सो। बच्चे जो होते हैं हैबिट्स एक्वायर करते हैं, बिहेवियर एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। सो ये चीज़ आपको या आपको एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके थोड़ी समझनी पड़ेगी। मैं इंडिविजुअली मैं ऐसे तो नहीं बता सकती कि आपका बच्चा क्यों इल नेचर है। हो सकता है कि कभी कभी होता है कि ट्यूनिंग नहीं बैठती है घर वालों के बीच में, या बच्चों के बीच में, या स्कूल में किसी के साथ और बच्चों के बीच में, या टीचर और बच्चे के बीच में। तो कई बार होता है कि आउट ऑफ कन्फ्यूजन बच्चे को नहीं समझ आता है कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ, मैं किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करूँ। सो आउट ऑफ दैट ऑल्सो चिल्ड्रन टेंड टू बिकम इल नेचर्ड और एंग्री और लड़ाकू झगड़ालू, ऐसा होता है कई बार। एंड दिस कैन बी वेरी वेल मैनेज जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे उनकी थोड़ी काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स टीचर काउंसलिंग होती है, या अलग अलग तरह से अलग अलग जगह काउंसलिंग करवाई जाती है, या एक डॉक्टर के साथ मिलके आप काउंसलिंग करवाते हैं, तो इसको बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है। एंड वेल बिहेव चिल्ड्रन कैन बी क्रिएटेड एट होम ऑल्सो। ओके, टू ईयर चिल्ड्रन हैज़ नॉट एनी हिस्ट्री बट इरिटेबल एंड इल नेचर्ड। ओके, so that can be due to some physical ailments also, because बहुत ऐसा देखा है कि gastric issues जिन बच्चों में बहुत common होते हैं वो tend to be irritable a lot, ये देखा गया है। so मैं individually तो नहीं बता सकती, but मैं commonly जो मैंने देखा है अपनी clinical practice में वो मैं बता सकती हूँ। okay, so medicine यहाँ discuss नहीं होएगी sir, we are not here to discuss medicine, we are only here to promote homeopathy in general. For the medicine you have to consult a homeopath, and aap herbal homeo ko contact kar sakte hain, ya aap mujhe bhi contact kar sakte hain agar aapko lagta hai ki hum log aapki help kar sakte hain.
या फिर आप अपने घर के पास, अपने एरिया में, अपनी रीच में किसी होम्योपैथ को कंसल्ट कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू टेक मेडिसिन फॉर दैट। ओके, आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू एंड द सेशन। थैंक यू डॉक्टर शिखर, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग वेरी प्रोफाउंडली एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू अस। एंड चूज़ होम्योपैथी, चूज़ वेलनेस एंड हर्बल होम्यो प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए, उनके लाइव सेशंस अटेंड कीजिए, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम एंड ऑल द गेस्ट जिनको वो इनवाइट करते हैं। एंड थैंक यू डॉक्टर शिखर, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी ऑल ऑफ यू, बाय बाय।